टीम इंडिया तीसरे वनडे के लिए हुई राजकोट के लिए रवाना। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हो फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा, जिसके लिए टीम रवाना हो गई है। वही रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भी आज टीम में जुड़ जाएंगे। दोनों टीमों के बीच सीरीज का अंतिम मुकाबला 27 सितंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज पर टीम इंडिया ने कब्जा जमा लिया है। इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की थी। अब तीसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम जीत दर्ज कर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। वहीं सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे। उनकी गैर मौजूदगी में राहुल ने टीम की कमांड संभाली थी, लेकिन अब यह तीनों ही खिलाड़ी तीसरे वनडे में टीम से जुड़ जाएंगे। आराम की वजह से जसप्रीत बुमराह दूसरे वनडे में नहीं खेले। BCCI ने ट्वीट किया था कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें अपने परिवार से मिलने और कुछ समय का ब्रेक लेने को कहा है। दूसरे वनडे के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया था। वहीं राजकोट में होने वाली भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के लिए बुमराह उपलब्ध नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया रोहित शर्मा कैप्टन, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, ईशान किशन, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। इसमें आपकी क्या राय में कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।